प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संघ मोलस का ज्ञान विज्ञान डीएलएड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह है संघ मोलस का। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए एक बार पुनः आपका स्वागत है। और आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो बायोलॉजिकल साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक है, संघ मोलस का। इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। संघ मोलस्का, मोलस अर्थात कोमल शरीर वाले जंतु, यानी जो संघ मोलस्का के जो प्राणी हैं, जंतु हैं, वो कोमल अंग वाले होते हैं और इनका शरीर लसलसा होता है, चिपचिपा होता है। और ये अधिकांश जंतु इसके समुद्रों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जंतु इसके स्तर पर भी पाए जाते हैं, चट्टानों से चिपके हुए पाए जाते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, इसकी सामान्य विशेषताएं। सबसे पहले, इस संघ के जंतुओं का शरीर कोमल व खंड रहित होता है, यानी इस जंतु जो इस संघ के जंतु होते हैं उनका शरीर कोमल और साथ में खंड रहित होता है, इनमें कोई खंड नहीं होते हैं, बिना खंड के होता है। जैसे ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर खंड युक्त तो पांग भी नहीं पाए जाते। जैसे हमने ऑर्थोपोडा में पढ़े थे कि खंड युक्त पांग पाए जाते, इसमें क्या है, खंडयुक्त उपांग नहीं पाए जाते, क्योंकि खंड ही नहीं होते। शरीर तीन भागों में बटा होता है, इनका जो शरीर है वो तीन भागों में विभाजित होता है। सिर, देखो ये सिर है, पाद तथा आंतरंग पिंडक। आंतरंग पिंडक, सिर, पाद में इनका शरीर तीन भागों में बटा होता है। अगला है, शरीर के चारों ओर एक बड़ा खोल या कवच होता है। शरीर का जो उनका जो शरीर है उसके चारों ओर एक कवच होता है तथा एक लिफाफे में नुमा आवरण होता है। लिफाफे नुमा आवरण होता है जिसे मेटल का प्रवाह कहते हैं, जिसे हम मेटल का प्रवाह कहते हैं। अगला, वास्तविक देह गुहा कम विकसित होती है। इनकी जो वास्तविक देह गुहा है वह बहुत कम विकसित होती है। इसके उदाहरण है घोंगा, सीपी, कौड़ी, सीपिया तथा ऑक्टोपस। हमने यहाँ पर ऑक्टोपस और सीपिया के चित्र बनाकर आपको दिखाए हैं। तो ये ऑक्टोपस है, यह समुद्रों में पाया जाता है। देखो ये इसका शरीर है, ये नेत्र है, ये सिर है, ये भुजाएं हैं और ये इसके चूसक हैं। चूसक क्या काम करते हैं, जो भुजाएं हैं हमारा जो इसका शिकार होता है उसको पकड़ने का काम करता है, और चूसक हैं वह उसके शरीर में अपने आप को स्थापित करके उसके उससे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। ये सीपिया है, इसके चूसक हैं, ये स्पर्शक है, ये इसके नेत्र हैं और ये इसका धड़ है। तो संघ मोलस्का का हमने आज अध्ययन किया और मोलस्का के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं थी उनका भी अध्ययन किया। और आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। आगे जो हमारा अगला टर्म होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे संघ इकाइलोडर्मेटा का। तो अगली वीडियो में इकाइलोडर्मेटा के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।